जलंधर कैंट के व्यस्त बाजारों में से एक राम मंडी बाजार की एक आम सी गली, जहां पर एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आम जीवन जीते हैं, उनकी जिंदगियों में ऐशो आराम है एवं किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं। वे घर से निकलते हैं काम की ओर, अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं, दो पहिया चार पहिया गाड़ियों में घूमते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी गली में एक मोहल्ला या स्लम ऐसा भी है जहां पर रह रहे लोग रोज के जीवन को आम ढंग से जीने की ही जिद्दोजहद में लगे हुए। यहाँ पर लोगों के घरों के नामों पर कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं और सर ढकने के लिए चादर साड़ी या किसी पन्नी से बनी हुई छतें। यहाँ आसपास काफ़ी गंदगी मौजूद है और कचड़ों कबाड़ों के बड़े बड़े ढेर तो हर कदम दो कदम पे ही मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हो? बहुत चेर हो गए, हमारे को 50 साल 70 साल हो गए। अच्छा अच्छा, जब से रह रहे हैं यहाँ। तो आप मतलब अपनी जीवनी के लिए लाइक इनकम सोर्स क्या है आपका, कैसे आप क्या कमाते कैसे? तो ये कूड़ा कबाड़ा चुगते हैं। अच्छा अच्छा, कागज पत्र चुगते हैं। अच्छा, उसी से चुगने के बाद घर में रोटी होती है पाना, वही खर्चा पानी लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, वही करते हैं। अच्छा ठीक है, वही कूड़ा कबाड़ा चुग के लाते, वही घर में रोटी वही बनाते हैं। आदमी तो ऐसे है। यहाँ ज़्यादातर काम चाहे घर का या घर को चलाने के लिए पैसे कमाने का हो औरतें ही करती हैं, और पढ़ी लिखी ना होने के कारण वे पास में स्थित रेलवे स्टेशन और आसपास की जगहों से कचरा बीनती हैं। आम लोगों की तरह ये अपने कपड़े तो बाहर धूप में ही सुखाते हैं, पर संसाधनों की कमी एवं सरकारी नीतियों के सही रूप से लागू ना होने के कारण औरतों को आज भी खाना बाहर चूल्हे पे ही बनाना पड़ता है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? ओमवती। तो आंटी, आप मतलब इस पे क्यों बना रहे हो खाना, गैस सिलेंडर पे क्यों नहीं बना रहे हो? नहीं, गैस सिलेंडर पे किसने बनाएगा? तो सरकार आपको कुछ कर नहीं रही आपके लिए? कुछ भी नहीं कर रही है। फॉर्म भराए वो भी हमारे पापा से दिए नहीं, जाकर ना सिलेंडर दिए ना कुछ, मतलब फॉर्म भरवा लिए पर कुछ भी नहीं दिया। कितने पहले फॉर्म भरवाए गए थे? तो मतलब जब इलेक्शन आते तब आ जाते हैं लोग, पर जब कुछ काम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम होती है इसमें? बहुत प्रॉब्लम होती है, आँख में लगता है इनके। यहाँ के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं एवं उन्हें पास के सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं, ताकि जीवन में आगे बढ़कर वे इस गरीबी और लाचारी की दलदल से बाहर निकल सकें। कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। बहुत दूर है, तो कैसे जाते हो फिर वहाँ तक? पैदल जाते हो? रोज जाते हो? अच्छा, तो क्या क्या आता है? 1 2 3 आती है आप लोगों को? सुनाओ। 1 एवं जगह कम होने के कारण घर यहाँ पे काफ़ी पास बने हैं, और गलियाँ तो इतनी पतली हैं कि बेचारे छोटे बच्चों को भी उनमें से निकलने में तकलीफ होती है।
सुना है कि पानी आने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बारिशों में और शौचालय वगैरह भी सही नहीं है, क्या ये सही बात है? देखो यहाँ ना बारात आती है ना, जैसे हम गरीब बंदे हैं, जैसे बाराती आती है बाहर के लोग हैं, जैसे हमारे जातियाँ वहाँ पर लेट देंगे, सब कुछ बना हुआ अपने घर में, यहाँ आते हैं ना तो बेइज्जती कर देते हैं कि यहाँ कौन बारात लेके आए, कौन यहाँ मेहमान आए, तो यहाँ पर रोटी खाना भी हो जाता है, यहाँ पर यहाँ इतना सारा पानी हो जाता है यहाँ से वहाँ तक लेके, हमारी झुग्गियों में भी यहाँ पर जाता है, सारे बच्चे तैरते हैं यहाँ पर, हमारा रोटी भी बनाना हमारा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ये है कि हमारी प्रॉब्लम किसी को बताओगे, आप थोड़ा बहुत पानी की प्रॉब्लम कोई हल करे, या तो फिर ये शौचालय की भी कोई प्रॉब्लम ठीक से बना दे, उतना गंदे यहाँ पर खड़ा भी नहीं होया जाता, क्या अगर मजबूरी में जाना ही पड़ता शौचालय में। कितने शौचालय हैं यहाँ? सिर्फ चार लेडीज है, दो मर्दों की है, वो भी इतना बुरा हाल है बेचारे, वो भी उल्टियाँ बीमारियाँ हो जाती, बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, इतना पैसा कहाँ से लेके हैं जो बच्चों के लिए दवाई गोली करे, बच्चे भी बहुत बीमार हो जाते हैं यहाँ पर, आपको पता कितनी गंदगी होती है लेटरिन बाथरूम यहाँ पे, इतना बुरा हाल है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है ना, हद से ज्यादा किस किस को बताएं, यहाँ से बड़े लोग आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है, हमारा कोई हल नहीं करता। इस स्लम के हर एक घर में चार से पांच बच्चे हैं और ये इन लोगों के लिए बड़ी आम सी बात है, परिवार नियोजन जैसी बात तो इनके विचार में भी नहीं, पर सोचने वाली बात यह है कि बढ़ती आबादी आगे चलकर खाने रहने पहनने के लिए एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी बनेगी और जो कि आगे चलकर बहुत हानिकारक हो सकता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एवं NSS साथ मिलकर ऐसे कई स्लमों के हालात सुधारने पर काम करती है। इस संगठन से जुड़े छात्र छात्राएं पुराने गद्दे कंबल किताबें रूम टू रूम जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लोगों से इकट्ठा करते हैं। यही नहीं बल्कि वह गर्मी एवं सर्दियों के कपड़े भी बटोरते हैं जो कि फिर सही हालत में स्लम में रह रहे लोगों को दे दिए जाते हैं। NSS अपने आदर्शों पे चलते हुए बीते कई वर्षों से इस दिशा पे काम कर रहा है एवं लोगों की जिंदगियों को बदलने में अपना अहम योगदान दे रहा है। आपका नाम क्या है? तो आप NSS में ऐसा क्या हो? अच्छा, तो NSS ने जैसे कि जलंधर में जो स्लम्स हैं उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या क्या किया है? हम अपलिफ्टमेंट के लिए उसके लिए पहले हम जॉय ऑफ गिविंग करते हैं मेनली, एंड CLP भी करते हैं, कम्युनिटी से प्रोग्राम एंड ज्ञान दी प्रोजेक्ट भी चलाते हैं जिसमें हम बच्चों को जाके पढ़ाते हैं उनको, एंड जॉय ऑफ गिविंग में हम क्या करते हैं मेनली कि हम हॉस्टल से कपड़े डोनेट मतलब कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर जाके हम उसको डोनेट करते हैं जो स्लम्स हैं, जो मेनली हमारे DPS स्कूल के पास है या फिर अनाथ आश्रम है, उस जगह हम अलग अलग जाके उनको डोनेट करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमें खुद खुशी मिलती है जब हम कुछ कलेक्ट करके डोनेट करते हैं और उनके फेस पे स्माइल ब्रिंग करते हैं, एंड मंथली हम जॉय ऑफ गिविंग जो है मंथली बेसिस पे चलाते हैं, और ड्यूरिंग द दिवाली हम उसको जॉय ऑफ वीक के नाम से उसको शुरू करते हैं इवेंट्स को, जिसमें हम क्लोथ्स कलेक्ट करते हैं फिर जाके स्लम में डोनेट कर देते हैं। ओके, आपका नाम क्या है और आप NSS में ऐसा क्या वर्क करते हो? तो मेरा नाम विनी गुप्ता है, आई एम असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एट LPU NSS। सो हम बेसिकली वैसे तो हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो काफ़ी ब्रॉड है, बहुत कुछ करते हैं, बट अभी जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो जॉय ऑफ गिविंग करते हैं, हमारा जॉय ऑफ गिविंग मंथ एक सेलिब्रेट करते हैं हम, तो इन दैट के हम हर मंथ में एक वीक होता है जिसमें हम जॉय ऑफ गिविंग करते हैं, तो द होल वीक से पहले तो हम सारे हॉस्टल से कलेक्ट करते हैं जो भी चीज़ें वो देना चाहे डोनेट करना चाहे, एंड वी मस्ट टेक केयर कि वो सारी चीज़ें अच्छे से हम यूज़ कर सकें, मतलब वो ख़राब ना हो, वो चीज़ें अच्छी हो, अच्छी कंडीशंस में हो, हम वही चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज हम जब किसी को देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो लोग उसे देख के खुश हो, वो पहने उसे, तो हम ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, फिर लास्ट में लाइक संडे वनडे फिर हम बाहर जाते हैं, लाइक ओल्ड एज होम्स है, ऑर्फनेजेस है, ऑब्वियसली स्लम्स में जाते हैं, हम उन चीज़ों को डोनेट करते हैं, तो हाँ जब वो लोग उनको देते हैं ना तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना वो देखने लायक होती है, उसे देख के ना जो उन्हें देख के जो हमें खुशी मिलती है ना उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते जो हमें मिलता है उन्हें देख के, उसके बाद फिर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनके साथ डांस करते हैं, फन एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स करते हैं। तो आप क्या क्या जो चीज़ें होती है रिसोर्सेज क्या क्या होता है जो आपका ये लाइक देते हो आप डोनेट कर उन्हें? इट कैन बी लाइक
बच्चे जो भी डोनेट करना चाहे अपने कपड़े अपने मैट्रेसेस टॉयज बकेट्स मग एनीथिंग कुछ भी जो डोनेट आज की भागम भाग जिंदगी में हमें खुद से ही फुर्सत नहीं पर अगर हम अपने देश का सही रूप से विकास चाहते हैं तो जरूरत है देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की एवं सरकार को भी आवश्यकता है कि अपनी बनाई गई नीतियों को सही रूप से लागू करने की।